शांतिपुरम गांव में राजू और लक्ष्मी नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनकी बड़ी बेटी चांदनी है। चांदनी को पैदा हुए कुछ साल बाद और एक लड़का पैदा होता है। दोनों बच्चों को वो पति पत्नी बहुत प्यार से देखभाल करते हैं। बहुत दिनों बाद चांदनी को भाई पैदा होने पर उसके छोटे भाई को बहुत पसंद करती है। एक दिन छोटू रोते समय माँ उसे उठाकर सहलाते समय चांदनी माँ के पास आती है। माँ, छोटे भाई को मुझे दो, मैं उसे थोड़ी देर पकड़ूंगी। माँ, अभी तक मैं एक बार भी उसे नहीं पकड़ी, ऐसे पूछती है। तब माँ ने, छोटू अभी बहुत छोटा है, तू भी छोटी है ना, अभी तुझे पकड़ना मुश्किल होगा बेटी, थोड़े दिनों बाद तू ही पकड़ना, ठीक है ना? माँ, छोटू इतनी जोर से क्यों रो रहा है? बच्चों को ठीक से समय पर नहीं नहाने से ऐसे ही रोएंगे, ऐसे कह के जाती है। पर चांदनी को छोटे भाई को पकड़ के खेलने की इच्छा रहती है। इस तरह थोड़े दिन बीतते समय माता पिता काम पर बाहर जाने लगे। चांदनी, मैं और पापा काम पर जा रहे हैं, तुम छोटे भाई का ख्याल रखना, नींद से उठे तो बॉटल में दूध पिलाना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं भाई का ख्याल रखूंगी, आप जाके आइए, ऐसे कहती है। उसके बाद माता पिता बाहर चले जाते हैं। चांदनी भाई के पास बैठ के उसे देखती रहती है। छोटे भाई, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ खेलने की इच्छा हो रही है, ऐसे सोच के वहीं सो जाती है। इस तरह थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति भागता हुआ आके, चांदनी बेटी, तेरे माता पिता को रोड पर जाते समय एक लॉरी मार कर चली गई, ऐसे जोर से कहता है। उससे चांदनी घबरा कर उठती है। दोनों हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं, तुम्हारी माँ तुम दोनों को देखना चाहती है, तुम जल्दी जाओ, ऐसे कहता है। वो सुनते ही चांदनी का दिल टूट जाता है। तब तुरंत छोटू को लेके हॉस्पिटल जाने लगती है। दोनों हाथों से छोटू को पकड़ के भाग के जाने लगी। हे भगवान, मेरे माता पिता का रक्षा करो स्वामी, चाहिए तो सजा मुझे दो प्रभु, ऐसे सोचते हॉस्पिटल को जाती है। उससे पहले ही माता पिता दोनों का निधन हो जाता है। उन्हें देख के चांदनी बहुत रोने लगती है। उसके बाद सभी कार्यक्रम खत्म करती है। रिश्तेदार कोई भी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेते और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उससे दोनों बच्चे एकदम से अनाथ हो जाते हैं। छोटू रोता रहता है, कुछ भी करने पर भी छोटू रोना बंद नहीं करता। तब चांदनी ने, भाई रोना मत, तुझे देखने से मुझे भी रोना आ रहा है, ऐसे कह के उसे ले जाके दूध पिलाती है। फिर भी छोटू का रोना बंद नहीं होता। क्या हुआ छोटू को, दूध पीने के बाद भी रोना बंद नहीं कर रहा, ऐसे सोच के इधर उधर सहलाने लगी। तब उसे माँ की बात याद आती है। हाँ, छोटू को कल से नहीं नहाई, शायद इसीलिए रो रहा है, ऐसे सोच के छोटू को लेके गर्म पानी से उसे नहाती है। तब छोटू रोना बंद करके आराम से सो जाता है। इस तरह उस दिन से चांदनी छोटे भाई की माता पिता खुद बनती है, ठीक समय पर दूध पिलाती है, उसको प्यार से देखभाल करके प्राणों से ज्यादा देखती है। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं, घर में रहे पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। माँ और पापा मर जाने पर हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, अभी मुझे कुछ न कुछ काम करना है, नहीं तो मेरे साथ साथ छोटे भाई को भी भूखा रहना पड़ेगा, कोई काम ढूंढ लूंगी, ऐसे सोच के कैसे कमाना है करके सोचते समय उसे एक आइडिया आता है। मैं अभी छोटी हूँ, इसीलिए ज्यादा काम नहीं कर सकती, ऊपर से भाई के साथ हर समय रहना है, इसीलिए पत्तों को सील के उनको बेचना आसान लग रहा है, ऐसे सोच के छोटू को पकड़कर जाके बड़े बड़े पत्तों को ढूंढकर लाके आती है। उसके बाद छोटू को झूले में सुला के वो पत्ते सीलना शुरू करती है। उसके बाद बहुत सारे पत्ते तैयार करती है। इस तरह उनको शॉप्स को ले जाके बेचकर पैसे कमाना आदत कर लेती है। ऐसे आए हुए पैसों से
छोटे भाई को प्यार से देखभाल करती है। तिम्मापुर गांव में चांदनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। छोटे उम्र में ही उसके माता पिता मर जाने पर वो अनाथ की तरह बड़ी होती है। चांदनी को रहने के लिए खुद का घर नहीं था। वो जीने के लिए जंगल में रहे फल फूल तोड़कर लाके उस जंगल के मंदिर के पास बैठ के बेचती रहती थी। उसके बाद पेड़ के नीचे आराम करके जीवन बिताती थी। एक दिन सुबह चांदनी पेड़ के नीचे आराम से सोते समय एक सांप चांदनी के पास आके बुस बुस करने लगी। सांप की आवाज से चांदनी की नींद खुलकर देखती है। तब उसके सामने एक बड़ा सांप उसे काटने के लिए तैयार रहती है। उसे देख के चांदनी बहुत डर के एकदम से ऊपर उठकर बाजू भाग जाती है। उसके बाद सांप वहां से चली जाती है। तब चांदनी रिलैक्स होके, हे भगवान, कितनी बड़ी मुसीबत से बच निकली और थोड़ी देर रहने से मेरे प्राण हवा में मिल जाते। ऐसे पेड़ों के नीचे रहने से कोई ना कोई खतरा रहेगा। जल्दी से पैसे जमा करके घर बनाना है, ऐसे सोचती है। इस तरह उसके काम खत्म करके हर रोज की तरह एक थैली लेके जंगल जाती है। वहाँ रहे फल फूल तोड़ के वहाँ से बेचने के लिए मंदिर के पास जाके बैठती है। मंदिर को आए लोग उसके पास से फल फूल खरीद के जाते हैं। ऐसे थोड़ी देर बाद सब बिक जाते हैं। पुजारी जी मंदिर बंद करके बाहर आते समय चांदनी उस पुजारी के पास जाती है। पुजारी जी, मैं आप ही की राह देख रही थी, आपसे एक विषय पूछना चाहती थी। क्या है वो विषय? मेरा घर नहीं है, पेड़ के नीचे रहती हूँ। अगर आप अनुमति दिए तो मंदिर में सर छुपाऊं? क्या है, मंदिर में सर छुपाओगी? ये कोई धर्म सत्य नहीं है हर कोई रहने के लिए। अगर तुझे देने से कल के दिन बिना घर वाले आके यहाँ रहेंगे। जा जा, वो नामुमकिन है। ये सुन के चांदनी चुपचाप अपना थैली लेके वहाँ से चली जाती है। इस तरह रास्ते में जाते समय काम वाले घर बनाना दिखाई देते हैं। चांदनी उनको देख के, हाँ घर बनाने के लिए कितना खर्चा होगा इनसे पूछूंगी, ऐसे सोच के उनके पास जाती है। वहाँ काम कर रहे आदमी से, साहब एक घर बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? छोटे घर के लिए पूरा मिला के 1,00,000 रुपए खर्चा होगा। यह सुन के चांदनी शॉक हो जाती है। बाप रे, 1,00,000 रुपए? इतने पैसे जमा करने के लिए मुझे बहुत साल लगेंगे। ऐसे सोच के वहाँ से जाके पेड़ के नीचे बैठती है। घर बनाना उतना आसान काम नहीं है करके समझ में आया। शायद मेरे भाग्य में ये पेड़ ही है। भगवान, मुझे ये जहरीले सांपों से बचाना स्वामी। ऐसे भगवान को प्रार्थना करके सो जाती है। उस दिन ऐसे बीत जाता है। अगले दिन उठ के जंगल जाकर रास्ते भर घर के लिए सोचती रहती है। ऐसे जाते जाते बीच रास्ते में बड़े बड़े बांस के लकड़ियाँ दिखाई देते हैं। तब चांदनी ऐसे सोचने लगी, ये बांस की लकड़ियाँ बहुत मजबूत रहेंगे, क्यों ना मैं इससे घर बनाऊं? ऊपर से खर्चा भी कम होगा। हाँ, मैं इन बांस की लकड़ियों से खुद का घर बनाऊंगी। ऐसे सोच के फल फूल तोड़ के चली जाती है। अगले दिन उसके पास रहे पैसों से एक कुल्हाड़ी और रस्सियाँ खरीद के जंगल जाती है। वहाँ रहे बांस की लकड़ियाँ काट के शाम तक उनको एक ऊंचे प्रदेश में ले जाती है। इस तरह बहुत सारे बांस की लकड़ियाँ लाती है। उफ, बांस की लकड़ियाँ तैयार हो गए हैं। यहाँ घर बनाने से कोई मुसीबत नहीं रहेगी। कल से मेरे घर का काम शुरू करती हूँ, ऐसे सोचती है। अगले दिन सुबह उठकर घर बनाना शुरू करती है। इस तरह 4 दिन मेहनत करके घर बनाना खत्म करके सुंदर सा बांस की लकड़ियों का घर बनाती है। हाय, मेरा घर तैयार हो गया है, मेरे खुद का घर बन गया, ऐसे बहुत खुशी होती है। इस तरह उसके बांस की लकड़ियों के घर में रह के जिंदगी बिताने लगी। थोड़े दिन बीत जाते हैं। अचानक से बड़ा बारिश आके गांव में बाढ़ आती है। पर चांदनी ऊंचे प्रदेश में घर बनाने के वजह से उसके पास बाढ़ का पानी नहीं आता। तब सब गांव वाले बाढ़ के पानी में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। इस तरह बाढ़ का पानी बढ़ के घरों में भी पानी आ जाता है। उससे सब गांव वाले पानी में बहने लगते हैं। उसी समय एक सांप पुजारी जी का पीछा करने लगी। उसे देख के पुजारी जी डर के पानी में तैर के, सांप
साम, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, कोई आके मुझे बचाओ, ऐसे जोर जोर से चिल्लाता है। यह देख के चांदनी तुरंत उनको रस्सी फेंक के उसके बांस की लकड़ियों के घर में खींचती है। उससे सबके प्राण बच जाते हैं। चांदनी बेटी, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। उस दिन मैंने तुझे आश्रय नहीं दिया, मुझे माफ करो बेटी। वो सब अभी क्यों पुजारी जी, बाढ़ का पानी कम होने तक आप यहीं रहिए। ऐसे कह के सबको उसके घर में जगह देती है।